आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही नई रेसिपी। तो आज हम लोग बनाएंगे मछली के अंडे का पकौड़ा। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने मछली का अंडा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसे एक चाकू की मदद से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। तो ये देखिए, हम इस तरीके से अपने अंडे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बाहर से बिल्कुल ही क्रंची और अंदर से बिल्कुल जूसी। आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप लोग इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने दूसरे वाले को भी काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। मछली के अंडे को अच्छी तरीके से काट लिया है, तो अब चलिए हम लोग मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 से 16 लहसुन की कली को अच्छी तरीके से कूट लिया था। अब हम लोग इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो ये देखिए, मैंने नमक भी डाल दिया है। तो अब हम लोग डालेंगे इसमें 2 बड़ा चम्मच बेसन। ये देखिए, मैंने 1 चम्मच डाला, अब हम लोग 1 चम्मच और डालेंगे। तो अब मैं इसमें पानी डाल के इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिला दूंगी। इसमें एक भी गांठे नहीं रहनी चाहिए, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग मिला लें। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है। तो अब हम लोग इसमें धनिया पत्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे। अब हम लोग इसे एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो अब चलिए हम लोग अपने तेल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई और भी तेल यूज़ कर सकते हैं, बट ये पकौड़ा सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है। को बेसन में इस तरीके से बस 2 बार पलटते और फिर अपने उंगली की मदद से उसे सेट करके आप अपने तेल के अंदर बहुत ही सावधानी से डाल दें। इसी तरीके से मैं अपने मछली के अंडे को बेसन में लपेट कर तेल में डाल दूंगी। तो चलिए हम लोग फिर से इसे फटाफट तेल में डाल देते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से आपको करना है। पहले आपको मछली का अंडा डालना है, बस उसे एक बार घुमा देना है और फिर उसके बाद आपको तेल में उसे डाल देना है। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने मछली के अंडे को तेल में डाल देते हैं। तो हम लोग इसे सुनहरा होने तक तेल में तलेंगे। ये देखिए, मैं एक बार इसे हल्का सा हटा कर देखती हूँ, तो ये देखिए दूसरी साइड से हमारा पूरा ब्राउन हो चुका है। तो इसे बहुत ही हल्के हाथ से पलट दें। इसे बहुत ही हल्के हाथ से पलटना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है अंदर से, तो ये टूट जाएगा। तो इसीलिए इसे बहुत ही हल्के हाथ से इस तरीके से पलट दें। अब हम लोग इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो
तो ये देखिए हमारा जो पकोड़ा है वो अच्छी तरीके से तल चुका है। ये आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बहुत ही जूसी। तो चलिए इसकी कर लेते हैं हम लोग प्लेटिंग। तो अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मैं इंस्टाग्राम का आईडी डाल दूंगी, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसे दिखाती हूँ, ये देखिए बाहर से ये कितना ज़्यादा क्रंची लग रहा है और ये देखिए अंदर से ये कितना ज़्यादा जूसी है। तो अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।